नए एटम बम के लिए अमेरिका तैयार। 65 अरब रुपए के ब्रह्मास्त्र पर दुनिया में हाहाकार। अंकल सैम का एटमी बुखार आज रात 9:30 बजे। अमेरिका दुनिया की इकलौती सुपर पावर। अंकल सैम ने अपनी ये हैसियत सबसे आधुनिक वायुसेना, सबसे ताकतवर नौसेना और सबसे तेज तरार थल सेना की बदौलत बनाई। लेकिन उसकी असली ताकत है परमाणु जखीरा। अंकल सैम के पास है सबसे आधुनिक एटम बम। अमेरिका के पास है करीब 7100 परमाणु बम। परमाणु हमला करने वाला दुनिया का इकलौता मुल्क भी अमेरिका ही है। द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बम गिराया था। करीब 3 लाख लोग मारे गए। इतनी तबाही देखने के बावजूद अंकल सैम की एटमी सनक अब तक कम नहीं हुई। अमेरिका के नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सबसे मारक ब्रह्मास्त्र यानी B-61 बम के आधुनिकीकरण की योजना को हरी झंडी दे दी है। ओबामा प्रशासन ने अमेरिका के एटमी जखीरे के आधुनिकीकरण के लिए भी $355 अरब का बजट पास किया है, जबकि आलोचकों का कहना है कि ये रकम $1 खरब यानी 65 खरब रुपए के आसपास है। अमेरिका के इस फैसले पर पूरी दुनिया में बेचैनी महसूस की जा रही है। खासकर अमेरिका के परंपरागत प्रतिद्वंदी रूस में खासी बेचैनी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब समूची दुनिया में परमाणु बमों की तादाद कटौती की वकालत हो रही है तो अमेरिका क्यों आधुनिक बना रहा है अपना परमाणु जखीरा। आखिर क्या है अंकल सैम के मन में? अमेरिका को क्यों चढ़ा है एटमी बुखार? नए एटम बम के लिए अमेरिका तैयार। 65 अरब रुपए के ब्रह्मास्त्र पर दुनिया में हाहाकार। अंकल सैम का एटमी बुखार। अंकल सैम, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को इसी नाम से जाना जाता है। उसकी ताकत के पीछे है उसकी फौज और उसकी एटम बम, उसकी न्यूक्लियर एनर्जी जिसको वो हथियारों के लिए इस्तेमाल करता है। अंकल सैम अपने बम के जखीरे को सुरक्षा की गारंटी भी मानता है। लिहाजा ऐसे वक्त में जब प्रलय जैसी तबाही लाने वाले इस हथियार को खत्म करने की वकालत चल रही है, अमेरिका इससे उल्टी तरफ चलते हुए इसे और आधुनिक बनाने में जुट गया है। 70 साल पहले एटम बम से दुनिया को सबसे बड़ा जख्म देने वाला अंकल सैम अब भी कैसे एटमी बुखार से ग्रस्त है और पूरी पृथ्वी के लिए खतरा है, आपको दिखाते हैं। ये अमेरिका का वो परमाणु बम है जिसका बुखार रह रहकर अंकल सैम को सताता रहता है। दिखने में छोटी मिसाइल जैसा बम, लेकिन ताकत इतनी भयंकर कि इसके सामने हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल हुए बम जैसे बच्चे थे। हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहर इसे एक बम से कई कई बार तबाह किए जा सकते हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब इसे अमेरिका के नवादा के दोनों पैर टेस्ट रेंज पर लाया गया, फाइटर प्लेन पर लोड किया गया और फिर ये उड़ चला मिशन पर। आसमान पर बहुत ऊंचाई से इसे लॉन्च किया गया। यह है अमेरिका का नया एटम बम B-61-12। पिछले साल 20 अक्टूबर 2015 को B-61-12 का परीक्षण हुआ। नेवादा के रेगिस्तान में हुए इस परीक्षण में ये सभी कसौटियों पर खरा उतरा। 1968 से लेकर अब तक अमेरिका अपने सबसे घातक ब्रह्मास्त्र यानी B-61 परमाणु बम का प्रयोग करता रहा है, लेकिन पिछले साल $8 अरब की लागत से अमेरिका ने एक नए परमाणु बम का परीक्षण किया जिसका नाम B-61-12 है।
कहा जा रहा है कि ये पहले बम के मुकाबले ज्यादा सटीक और ज्यादा घातक है। एटमी ताकत का नशा इतना गहरा है कि परमाणु बम से लैस दुनिया की हर ताकत अपने बम को लगातार आधुनिक और ज्यादा ताकतवर बनाती जा रही है, लेकिन अमेरिका पर यह बुखार सबसे तेज है। उसका पुराना B-61 एटम बम पैराशूट से नीचे आता था, स्थिर पंख वाला था, लेकिन नया बम B-61-12 बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स और घूमने वाले पंखों से लैस है। करीब 12 फीट लंबे बम में नए तरह के राडार और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इसमें बीच के हिस्से में ऊर्जा के 4 विकल्प वाला एटम बम है, नीचे के हिस्से में फायरिंग सिस्टम पर्यावरण सेंसर है। ज्यादा सुरक्षा उपाय और बेहतर सिस्टम से लैस B-61-12 घूमने वाले पंख से तय दिशा की तरफ सटीक निशाना लगाता है। पुराना B-60 बम एटम बम पैराशूट की वजह से नीचे आता था, लिहाजा ये निशाने के आसपास गिरता था, लेकिन नया बम घूमने वाले डैनो और इलेक्ट्रॉनिक गाइडेंस की मदद से सीधे उसी जगह पर जाकर गिरता है जहां पायलट इसे गिराना चाहे। हैरत की बात यह है कि ऐसे आधुनिकीकरण के बावजूद अमेरिका का एटमी बुखार ज्यादा तेज होता जा रहा है। ओबामा प्रशासन ने अब ज्यादा खतरनाक बम बनाने की इजाजत दे दी है। जिसके पास 71,000 न्यूक्लियर बम है यानी अमेरिका, वो अगर और एटमी हथियार बना रहा है तो उससे बाकी को चिंता होना लाजमी है। अमेरिका अपने एटमी जखीरे का आधुनिकीकरण कर रहा है, इससे प्रतिद्वंद्वी मुल्कों में बेचैनी बढ़ गई है, चाहे रूस हो चाहे चीन हो। अब ये भी ये कोशिश कर रहे हैं कि और पैसा डाल के एटमी जखीरे को और खतरनाक बनाए। एक बार फिर दुनिया में शुरू हो रही है न्यूक्लियर आर्म्स रेस। ये एटम बम नहीं बल्कि मेगाटन एटम बम है। ये बम दुनिया को कई कई बार तबाह कर सकते हैं। मानवता के इन भस्मासुरों को खत्म करने के लिए अमन पसंद लोग लंबे वक्त से अभियान चला रहे हैं, लेकिन सब कुछ दरकिनार करते हुए अमेरिका ने अपने परमाणु जखीरे को आधुनिक बनाने का फैसला कर लिया। B-61-12 को B-61-12 बम में बदलने के लिए अमेरिका अब B-61-12 LEP बनाने जा रहा है। अमेरिका के नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आधुनिक बम बनाने का फैसला किया है। एटम बम के आधुनिकीकरण के तहत अमेरिका को पहला बम 2020 तक मिल जाएगा। नए एटम बमों को बनाने पर $355 अरब का खर्चा आएगा। जानकारों का मानना है कि ये खर्च $1 खरब तक जा पहुंचेगा। अमेरिका का दावा है कि इस खर्च की बदौलत एटमी जखीरे को ज्यादा सुरक्षित बनाया जाएगा। B-61-12 LEP बम के आ जाने के बाद B-83-1 नाम के उस बम को अमेरिका हमेशा के लिए अलविदा कह देगा जो मेगाटन बम है, यानी हाइड्रोजन बम जितना ताकतवर है। लेकिन वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल फाउंडेशन के संयोजक रॉब वेन रीट ने अमेरिका के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। रीट ने कहा, नए बम को दुर्घटनावश लॉन्च करने की आशंका ज्यादा रहेगी। ये फैसला परमाणु सुरक्षा और निशस्त्रीकरण के सिद्धांतों के खिलाफ है। एटम बम शीत युद्ध के दौर का अवशेष है। अंकल सैम के फैसले की आलोचना करने वालों का कहना है कि एटम बमों को आधुनिक करने के अमेरिका के फैसले से पूरी दुनिया में एटमी हथियारों की नई दौड़ शुरू हो सकती है। जो एटमी बुखार अब तक अमेरिका पर चढ़ा है, वो बुखार रूस चीन समेत दुनिया के तमाम मुल्कों को अपने एटमी जखीरे के आधुनिकीकरण के लिए मजबूर कर देगा। अमेरिका की फौजी तैयारियों से हैरान परेशान रूस और बेचैन हो चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने एटमी विशेषज्ञों को अमेरिका के B-61-12 LEP बम के आने के बाद पैदा होने वाले खतरों का आकलन करने को कहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका से हर मोर्चे पर होल्ड ले रहा चीन भी पीछे नहीं रहेगा। परमाणु जखीरे के मामले में फिलहाल अमेरिका के पास 7,100 बम, रूस के पास 7,300 परमाणु बम, फ्रांस के पास 300, चीन के पास 260, ब्रिटेन के पास 215, पाकिस्तान के पास 120, भारत के पास 110, इसराइल के पास 80 और उत्तर कोरिया के पास 8 परमाणु बम होने का अनुमान है। निशस्त्रीकरण संधि के तहत दुनिया का हर मुल्क अपने बमों को कम कर रहा है, लेकिन अगर एटमी बुखार यूं ही दोबारा सिर चढ़कर बोलने लगा तो तय मानिए कि तस्वीर जल्द ही बदल जाएगी। शीत युद्ध वाले अंदाज में एक बार फिर आधुनिक बमों की होड़ शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
कहते हैं बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आनी चाहिए, लेकिन ताकत का नशा हो जाए तो ताकतवर अपने और दूसरों के लिए खतरा बन जाता है। एटम बम का नशा कुछ ऐसा ही है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनावों में भी इसका नशा साफ नजर आ रहा है। देखिए अंकल सैम के एटमी बुखार की ताजा राजनीतिक तस्वीर। Look, nuclear should be off the table, but would there be a time when it could be used? Possibly. Okay. That I would never take any of my cards off the table. How about Europe? We won't use it in Europe. I'm not going to take it off the table. You might use it in Europe. But if you say to Japan, yes, it's fine, you get nuclear weapons, South Korea, you as well, and Saudi Arabia says we want them too. Can I be honest with you? It's going to happen anyway. It's only a question of time. If somebody hits us with a knife, you wouldn't fight back? एटमी बुखार किस तरह से अंकल सैम के सिर पर चढ़कर बोलता है, इसकी एक मिसाल अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। ट्रंप इस्लामिक स्टेट और बगदादी के खिलाफ, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के खिलाफ और यहां तक यूरोप तक में जरूरत पड़ने पर एटम बम फोड़ने की वकालत कर चुके हैं। ट्रंप के इस एटम बम प्रेम की आजकल अमेरिका में खूब आलोचना हो रही है। दरअसल मीडिया का दावा है कि जब प्रत्याशियों को विदेश नीति की जानकारी देने की परंपरा के तहत ट्रंप के पास अमेरिकी अधिकारी पहुंचे, तो ट्रंप उनसे बार बार ये पूछने लगे कि जब अमेरिका के पास एटम बम है तो उसे इस्तेमाल क्यों न करें। Several months ago, a foreign policy expert on the international level went to advise Donald Trump, and three times he asked about the use of nuclear weapons. Three times he asked at one point, if we have them, why can't we use them? एटम बम इस्तेमाल करने की ट्रंप की बेचैनी के बहाने अमेरिकी मीडिया में और विरोधी पार्टियों ने उनकी मानसिक स्थिति तक पर सवाल उठा दिया है। लेकिन सच ये है कि अमेरिका कई बार सचमुच विरोधियों पर एटम बम दागते दागते खुद को रोक चुका है। अमेरिका के नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल एक गुप्त रिपोर्ट सार्वजनिक की थी, जिसके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति एवन हाइजर ने 1956 में एक खास स्टडी करवाई थी। इस रिपोर्ट में दुनिया भर में फैले उन निशानों के नाम हैं जहां अमेरिकी परमाणु बमों की बरसात की जानी थी। दरअसल अमेरिका ने रूस, चीन और जर्मनी को तबाह करने का प्लान बनाया था। अमेरिकी एयरफोर्स दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान पर बरसाए गए बमों से 630 गुना ज्यादा ताकतवर बमों से इन मुल्कों के सैकड़ों शहर को तबाह कर देते, एक या दो बम से नहीं बल्कि 12,000 से 24,000 बमों की बरसात। खुशकिस्मती से ये सिर्फ एक स्टडी रिपोर्ट ही थी, लेकिन ये बताने के लिए काफी है कि एटमी बुखार कितना खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अब जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं वो उन सब लोगों के लिए देखना जरूरी है जो गायों की रक्षा कम करते हैं, उनके नाम पर सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। ये खबर उन लोगों के लिए देखना जरूरी है जो गाय माता के नाम पर सियासत करते हैं लेकिन गायों के लिए कुछ नहीं करते। हम आपको गायों के लिए यमलोक बन चुके, ये देखिए जयपुर हिंगोनिया गौशाला की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर महीने 1,000 गायों की यहाँ पर मौत हो जाती है। इस गौशाला में सिर्फ पिछले दो दिन के अंदर 90 गायों ने दम तोड़ दिया है। हिंगोनिया गौशाला की जाँच के बाद ये बात सामने आई है कि गायों की मौत और दुर्दशा की वजह है कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार। हजारों गायों के ये हत्यारे हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ, आने वाला मानसून सत्र है विधानसभा का, उसमें विधानसभा के फ्लोर पर हम मजबूत और सशक्त तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार को घेरने का काम करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि गायों की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। और अब खबर रियो से, जहां एक अच्छी खबर आ रही है। रेसलर नरसिंह यादव रियो ओलंपिक में भारत की ओर से 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में कुश्ती के दांव आजमा पाएंगे। नरसिंह के रियो ओलंपिक में खेलने की आधिकारिक रूप से पुष्टि हो गई है। डोपिंग मामले में नाडा से क्लीन चिट मिलने के बाद नरसिंह यादव को बुधवार को यूनाइटेड विश्व कुश्ती से भी रियो ओलंपिक में भाग लेने की इजाजत मिल गई है। यानी कि जिसकी लंबे समय से नरसिंह यादव के फैन आशा कर रहे थे, अब वो रियो ओलंपिक में खेलेंगे। अब ये उनके ऊपर दारोमदार है कि वहां से इस लड़ाई को जीतने के बाद वो एक मेडल लाकर पूरे देश को, अपने फैंस को गौरवान्वित करें।
अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद सुपर क्राइम टाइम दिग्विजय सिंह के साथ।